आज का जो प्रोग्राम है वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को विदाई समारोह के लिए यहाँ पर रखा गया है और जिसका नाम रखा गया है आरंभ। अब इनके जीवन में स्टूडेंट लाइफ जो कि एक माता पिता की तरह जो स्कूल के शिक्षक उनको पूरी तरह से सर्वांगीण विकास जिसे कहा जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर, एक स्कूल जो होता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर होता है, पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और अब जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में उनको एक नए जीवन का नए तरीके से जो आरंभ करना है उसके लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम का नाम जो रखा गया है आरंभ रखा गया है। इसमें यहाँ पर बच्चों ने आज की डेट में अगर देखा जाए तो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने एक MBA से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा। उन्होंने मैनेजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से टीचर्स के लिए सारा सब कुछ अरेंजमेंट करना है, ये सारा सब कुछ अरेंजमेंट सब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने किया है। और एक बहुत अच्छी बात अगर आज आपने नोटिस की हो कि हम यहाँ पर जो भी जो विदाई समारोह वाला जो कार्यक्रम होता है फेयरवेल, ये फेयरवेल जो होता है ये कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से ये जो फेयरवेल पार्टी होती है ये बच्चों के लिए एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्टूडेंट डे कहलाता है, ये विद्यार्थी दिवस कहलाता है, ये बच्चों के लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। और ये इन्होंने 12th के जो अपने बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके बाद सेलिब्रेट किया है। 11th क्लास के स्टूडेंट ने और 12th क्लास के स्टूडेंट ने अपने पूरी जो उनके टारगेट थे, जो उनके कर्तव्य थे, जो उनकी जिम्मेदारियां थी उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने इस चीज को यहां पर अपनाया है ताकि उनके जो मेन टारगेट्स हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और यहां पर एक बात जो और नोटिस करने की है, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा यहां पर आपके माध्यम से सभी लोगों को कि जो डमी आज एक ऐसा वर्ड चला है जिसकी वजह से बच्चों को उनकी स्कूल लाइफ जो है जो कि उनको कॉन्फिडेंस देती है, जो कि हर विषम परिस्थिति में उनको जीना सिखाती है, वो डमी की वजह से उन बच्चों में आज की डेट में इन सब चीजों का इतना अभाव आ गया है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक करियर जो होता है उस करियर का नाम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या CA या IAS ये नहीं होता है जीवन का नाम। जीवन का नाम है कि हमने सर्वांगीणता से उसको सफलता के साथ कितना जिया, कितना हेल्थ के साथ में, कितना टाइम मैनेजमेंट के साथ में, कितना प्लानिंग के साथ में, इन सब चीजों की अगर शिक्षा अगर बच्चे को सही मायने में मिलती है तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास में जाके वो परिपक्व होता है इन सब चीजों को लेकर। परंतु आज समाज में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने डमी वर्ड को इतना ज्यादा दिमाग में भर दिया है कि बच्चों को जो सही समय आता है सीखने के लिए स्कूल में उस समय वो बच्चे स्कूल में होते ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा सोसाइटी को कि इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को समझें। ऐसा नहीं है कि पहले 12th क्लास तक बच्चे पढ़ने के बाद में डॉक्टर नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने या समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस समाज का प्लेटफॉर्म नहीं बने, आधार नहीं बने, सब कुछ पहले से भी हुआ है। परंतु आज सोसाइटी में कुछ अपनी मेन मतलब मोनोपोली इस तरह की चल रही है कि वो अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहे हैं। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इन सब चीजों से बच के स्कूल को पूरी तरह से अपनाएं। और बाकी सब आज आपने देखा बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है यहाँ पर। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के रिया इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर रमेश चंद्र शर्मा जी वो यहाँ पर आए, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज दिया। VP सिंह सर जो कि फिजिक्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, 11th, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को फिजिक्स सर ही पढ़ाते हैं, उन्होंने आज बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आपने यहाँ पर आके जो इस कार्यक्रम को एक मजबूती दी है, इस कार्यक्रम को आगे तक पहुंचाने का जो काम किया है, हमेशा से आप निम्फ अकेडमी के साथ जुड़े रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे सभी टीचर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जिन्होंने उनको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो आज बच्चे संस्कारों के साथ में रहकर आनंद ले रहे हैं, इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैनेजमेंट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस स्कूल से जितने भी सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।